एक महिला के लिए अपने बच्चे को जन्म देना और माँ बनने का एहसास उसके जीवन के सबसे प्यारी फीलिंग्स में से एक होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि महिलाओं के लिए बच्चे को जन्म देना दुनिया के सबसे ज्यादा दर्दनाक कामों में से एक है। किसी बच्चे का जन्म होते हुए सुनकर हमारा दिमाग स्वतः ही एक महिला के दर्द से कराहते हुए तस्वीर बनाने लगता है, क्योंकि आमतौर पर इंसान अपने बच्चों को जन्म ठीक इसी प्रकार से देते हैं। खैर, ये तो हुई इंसानों की बात, जिसके पूरे प्रोसीजर के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जानवरों में बच्चों की बर्थ प्रोसेस देखी है? आखिर जानवरों में कैसे बच्चों का जन्म होता है? तो बता दें कि जानवरों में बर्थ प्रोसीजर इंसानों से काफी अलग होता है। वीडियो में जानवरों को जन्म देते हुए देखकर आप कुदरत के इन करिश्मों पर एक बार फिर से नतमस्तक हो जाएंगी। पांडा। दोस्तों, पांडा दुनिया के सबसे ज्यादा आलसी जानवरों में से एक होते हैं, और उनका ये आलसीपन कई बार उनके नवजात बच्चों पर भी भारी पड़ जाता है। अब उनका आलसीपन बच्चों पर भारी कैसे पड़ता है, ये आप जल्द ही जान लेंगे। एक वयस्क पांडा का वजन लगभग 160 किलोग्राम होता है। वहीं एक पांडा बेबी की यदि बात करें तो ये अपनी माँ के मुकाबले कुछ ज्यादा ही हल्के होते हैं। एक पांडा बेबी का कुल वजन महज 90 से 130 ग्राम तक होता है। गौरतलब है कि जन्म के समय पांडा के बच्चे और उसकी मां के वजन में लगभग 800 गुना तक का डिफरेंस होता है। धरती के सभी जानवरों में देखा जाए तो वजन का ऐसा डिफरेंस रेशियो वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाएगा। इतने ज्यादा हल्के और छोटे होने की वजह से जंगलों में अधिकतर पांडा जन्म के समय ही गुम हो जाते हैं और आलसी माएं उन्हें ढूंढ तक नहीं पाती। ऐसे में लगभग पांडा के नवजात बच्चे जन्म के समय ही दम तोड़ देते हैं। येलो हेड जॉफिश। मुख्यतः फ्लोरिडा में पाई जाने वाली ये जॉफिश 4 इंच तक लंबी होती हैं। ये मछली जिस प्रकार अपने बच्चों को जन्म देती है वो वाकई हैरतअंगेज है। येलो हेड जॉफिश में मादा का काम सिर्फ एग्स फर्टिलाइज करना होता है। अंडे बनने के बाद प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम नर जॉफिश को काम करना पड़ता है। मादा अंडे फर्टिलाइज करके नर को सौंप देती है और इन फर्टिलाइज अंडों को नर अपने मुंह में रखते हैं। ये अंडे तब तक नर के मुंह में रहते हैं जब तक ये पूरी तरह से बाहर आने लायक न हो जाए। कंगारू। कंगारू की बर्थ प्रोसेस दुनिया भर के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा विचित्र मानी जाती है, क्योंकि कंगारू में बच्चे का जन्म इमैच्योर स्टेज पर ही हो जाता है। एक कंगारू का बच्चा भ्रूणावस्था में ही जन्म ले लेता है। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बच्चा समय से पहले ही पैदा हो गया, लेकिन असल में कंगारू में बच्चे का जन्म हमेशा इसी अवस्था में होता है। जन्म के समय इस बच्चे का साइज महज 2 सेंटीमीटर और वजन महज 1 ग्राम तक होता है। जन्म होते ही ये बच्चा रेंगते हुए कंगारू के सीने में बनी थैली में चला जाता है और वहाँ बने 4 टिट्स में से एक पर ये बच्चा तब तक के लिए चिपक जाता है जब तक ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता। कंगारू दुनिया के सबसे इजी और बिना पेन वाले बर्थ प्रोसेस में से भी एक माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन यानी शाही अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं? पॉर्क्यूपाइन के शरीर पर लगी हजारों किलो में से एक कील भी यदि किसी को लग जाए तो ये कील एक बार के लिए किसी के भी पेशाब बंद करवा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि 30,000 खतरनाक और नुकीले कीलों से भरे हुए शरीर के साथ इनके बच्चे शरीर से बाहर कैसे आते होंगे? पॉर्क्यूपाइंस में प्रेगनेंसी पीरियड आमतौर पर 112 दिनों तक का होता है और इतने लंबे समय में इनकी कीलें पूरी तरह से पक जाती हैं। लेकिन जब बच्चे शरीर से बाहर आते हैं तो इनकी ये कीलें सॉफ्ट, गीली और फ्लेक्सिबल रहती हैं, और बाहर आने के बाद हवा लगते ही ये कीलें तुरंत सख्त और नुकीली हो जाती हैं। हैना। लोमड़ी की तरह दिखने वाले हैना में बर्थ प्रोसेस काफी विचित्र होती है। नर हैना मादा से थोड़े छोटे होते हैं। मादा हैना के पास सभी फीमेल ऑर्गन्स के अलावा एक नकली लिंग भी होता है और इस नकली लिंग की मदद से हैना अपने बच्चों को जन्म देती हैं। जन्म के समय ये लिंग इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि इसे वापस रिकवर होने में कई हफ्ते या महीने भी लग जाते हैं। जिराफ। जिराफ जैसे लंबे जीव अपने बच्चों को कैसे जन्म देते होंगे, आपने ऐसा कुछ शायद कभी सोचा होगा। आमतौर पर एक जिराफ प्रेगनेंसी पीरियड में लगभग 14 महीनों तक रहता है और प्रेगनेंसी के इन 14 महीनों के बाद एक जिराफ का पेट इतना ज्यादा फूल जाता है कि बच्चे द्वारा अंदर की गई सभी हरकतें साफ साफ देखी जा सकती हैं। जिराफ अपने बच्चों को खड़े खड़े ही जन्म देते हैं। 3 मीटर तक की ऊंचाई से गिरने पर नवजात बच्चों में रीढ़ की हड्डी टूटने का रिस्क तो रहता है, जिसकी वजह से 90% तक ही बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी के 10% बच्चे जन्म के समय ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन जिराफ के बच्चों के लिए जो काम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वो है इनका अपने पैरों पर खड़े होना। पैर लंबे होने के कारण जिराफ के बच्चे खड़े होना और चलना काफी मुश्किल से सीख पाते हैं। सी हॉर्स। सी हॉर्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें बच्चों को जन्म माँ नहीं बल्कि पिता देती हैं।
संभोग के बाद अन्य सभी मादाओं की तरह मादा सी हॉर्स भी अपने अंडों को फर्टिलाइज करती हैं। इसके बाद ये जीव एक बार फिर से संभोग करती हैं, जिसके दौरान मादा इन फर्टिलाइज्ड अंडों को नर की कोख में ट्रांसफर कर देती हैं। एक मेल सी हॉर्स आमतौर पर लगभग 1500 बच्चों को 9 से 45 दिनों तक अपनी कोख में रखते हैं और इसके बाद इन्हें जन्म देता है। जानकर हैरत होगी कि ये सभी 1500 बच्चे बहुत ज्यादा छोटे और पूरी तरह से परिपक्व रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक हाथी अपनी इच्छा से दिन भर प्रसव पीड़ा को रोक सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट हमेशा अपने बच्चों को रात के समय में ही जन्म देना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे भी ज्यादा खास बात तो ये है कि एलिफेंट में गर्भावस्था का समय 22 महीनों तक रहता है। वहीं जन्म के समय हाथी के बच्चे का वेट 115 किलो तक होता है। राइनो। आमतौर पर राइनो 18 महीने तक गर्भावस्था में रहते हैं और 2.5 सालों में अधिकतम एक बच्चे को ही जन्म दे सकती हैं। राइनो के जन्म का वीडियो आपने इससे पहले शायद ही कभी देखा होगा। राइनो के बच्चे जन्म के समय काफी कमजोर होते हैं और धीरे धीरे अपनी माँ की मदद से ही चलना सीखती हैं। वहीं राइनो बेबी का जन्म के समय वेट 45 किलोग्राम होता है। सी लॉयन। आज की हमारी इस लिस्ट में ये जीव एकमात्र ऐसा जीव है जो इंसानों की ही तरह बर्थिंग प्रोसेस का सामना करते हैं। सी लायंस को आमतौर पर 7 घंटे की प्रसव पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है और इन घंटों के दौरान ये जीव ठीक वैसा ही दर्द सहन करते हैं जैसा कि इंसानों में महिलाओं को सहन करना पड़ता है। वीडियो में दिखाई गई मादा सी लायन को 7 घंटे तक सर्वाइव करने के बाद फाइनली एक बच्चे का जन्म होता है। डॉल्फिन। बर्थ प्रोसेस में जिस तरह दर्दनाक माहौल आमतौर पर बनता है, डॉल्फिन्स में वैसा बिल्कुल नहीं होता। डॉल्फिन्स स्वभाव से जितनी सीधी सादी और पोलाइट होती है, उतनी ही शांति से अपने बच्चे को जन्म देती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जन्म के समय डॉल्फिन किसी नॉर्मल दिन की ही तरह इधर उधर घूमती रहती है और बार बार टेढ़ी होकर बच्चे को पुश करती रहती है। डॉल्फिन्स को जन्म देते समय देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो इसे एक छोटी पूंछ भी आ गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर में ये डॉल्फिन बड़े ही शांति से बच्चे को जन्म दे देती हैं। डॉल्फिन्स के बच्चों की सबसे खास बात ये है कि इनके बच्चों को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं होती। ये जन्म के तुरंत बाद ही अपनी माँ के साथ तैरने और घूमने लगती हैं। स्टिंगरे। दोस्तों, स्टिंगरे जैसे जानवर को बच्चे जन्मते हुए आपने शायद ही कभी देखा होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि 12 साल का एक बच्चा स्टिंगरे को बर्थ में हेल्प करता है। आमतौर पर ये जीव इंसानों के लिए काफी खतरनाक होती हैं, लेकिन ये स्टिंगरे बच्चों को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी, तो इसने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आराम से बच्चे की मदद एक्सेप्ट कर ली। आमतौर पर एक बार में स्टिंगरे 5 से 6 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।